काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी जो है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम वो किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास KCM, तो किसके बराबर है, हाफ टोटल मास m VCM का स्क्वायर, m क्या समेशन ऑफ mi, i इज इक्वल टू 1 अप टू n, जितने भी पार्टिकल है सबका मास, सम ऑफ द मासेस है k रिलेटिव फर्स्ट मास mi हाफ समेशन summation of half mi vi vcm का स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 अप टू 10, जो रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी है इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहले तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो किसके आगे KCM, ये क्या होगी सोल्यूट फ्रेम के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है, ये किसके आगे हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन, हाफ एम एन वी एन का स्क्वायर, ये समेशन की फॉर्म में करना तो आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी द सिस्टम है वो किसके बराबर होती है, KCM काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसके क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस स्टेटमेंट को, इस काइनेटिक एनर्जी जो है स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 8 किलोग्राम मूव्स एट v1 इज इक्वल टू 10 i कैप मीटर पर सेकेंड, वाई m2 4 किलोग्राम moves at v2 is equal to 4 i cap meter per second. Find a kinetic energy of center of mass, center of mass b काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये हमें KCM निकालना है, K रिलेटिव निकालना है और के काइनेटिक एनर्जी का सिस्टम निकाल लेंगे, तो पहले सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होती है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन टोटल मास, इसके बराबर होगी
तो एम वन मास जो है 8 किलोग्राम है, उसकी स्पीड जो है 10 आई कैप, प्लस जो दूसरा पार्टिकल है उसका मास 4 किलोग्राम है, उसकी जो स्पीड है 4 आई कैप, अपॉन टोटल मास 8 प्लस 4 80 प्लस 16 96 आई कैप अपॉन 12 8 आई कैप। जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 8 आई कैप के बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो किसका, हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, हाफ एम तो टोटल मास है, टोटल मास कितना है 4 प्लस 8 12, वी सी एम जो है 8 है, 8 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 12 इंटू 64, 6 × 24, 6 × 36 और 38 जूल। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, के रिलेटिव निकालना तो उसके लिए हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, वी वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो निकालना, तो वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ वन तो जो थी 60 10 आई कैप थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 8 आई कैप है, तो ये क्या जाएगी 2 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी की 4 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बाद माइनस 4 आई कैप। तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के रिलेटिव निकालना है, तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मास वो कितना है 8 है, उसकी स्पीड जो है सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में कितनी है 2, दूसरा पार्टिकल का मास जो है 4 है, उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी है 4, तो ये वैल्यू किसके आ जाएगी 4 और 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 16 32 48 हो जाएगी। ये जो के रिलेटिव आएगा वो किसके बराबर आएगा 48 जूल। सी का निकालना है, सिस्टम की टोटल एनर्जी एब्सोल्यूट फ्रेम में निकालेंगे, तो के सी एम प्लस के रिलेटिव 384 प्लस 48 12 और 4 12 1 13 3 और 1 4 432 जूल आ जाएगी। ठीक है, या दूसरा तरीका भी है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एब्सोल्यूट फ्रेम में ही निकाल लेते हैं, फर्स्ट का मास जो 8 है और उसकी स्पीड जो है 10 है, तो ये 400 हो जाएगा प्लस हाफ, दूसरे का मास 4 है स्पीड 4 है, 400 प्लस 32 432 जूल, तो डायरेक्ट भी आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो किसके बराबर हो जाएगी 432 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी जो है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकालनी आनी चाहिए, उसके लिए किया क्वेश्चन। और यदि हम काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास ऐड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी का सिस्टम आ जाएगी, एब्सोल्यूट फ्रेम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हमने भी किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के और किसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास किसके बाद हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, एम जो है टोटल मास है, एम आई I इज इक्वल टू वन अप टू एन, और K रिलेटिव जो था किसका था हाफ एम आई वी आई माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर I इज इक्वल टू वन अप टू एन, इसके बराबर था
इसको हमने एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूव भी किया था। अब दो इसको दोबारा प्रूव करते हैं, दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं कि के रिलेटिव वो किसके बराबर है, दो पार्टिकलों सिस्टम के अंदर हाफ एम वन वी वन माइनस वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू माइनस वी सी एम का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस वी सी एम का स्क्वायर प्लस माइनस टू वी वन वी सी एम प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर प्लस वी सी एम का स्क्वायर माइनस टू वी टू वी सी एम। इसके बराबर तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर इस टर्म को आगे ले आते हैं, हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर ये वाली जो टर्म है हाफ एम वन, इधर से एक दूसरी टर्म लेते हैं एम टू वी सी एम का स्क्वायर, ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा माइनस एम वन वी वन वी सी एम माइनस एम टू वी सी एम, ये इसके बराबर होगा। ये वाली चीज तो सेम ही रहेगी, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, हम इसमें से दोनों में से कॉमन क्या है, वी सी एम कॉमन आ रहा है और उसका साइन लगा देते हैं वी सी एम। वी सी एम का फार्मूला किसके बराबर होता है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन टोटल मास, इसके बराबर होता है। तो ये वाली चीज जो है किसके बराबर होती है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगी माइनस एम वन प्लस एम टू वी सी एम का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। इन दोनों को ऐड कर दें तो वैल्यू किसका होगा, हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर, तो माइनस वन बाई टू एम वन प्लस एम टू टोटल मास है, तो वी सी एम का स्क्वायर एम जो है इसके बराबर है एम वन प्लस एम टू। इस तरह को डर लिया तो के रिलेटिव प्लस इसको के सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है के सी एम है वो किसके बराबर है, हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, ये तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो किसके बराबर है, के सी एम प्लस के रिलेटिव। यही फॉर्मूला हमने यूज किया था पहले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ एम वन का स्क्वायर एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर, के सी एम का मतलब है हाफ टोटल मास वी सी एम का स्क्वायर, के रिलेटिव का मतलब है हाफ एम रिलेटिव वेलोसिटी वी वन माइनस वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू माइनस वी सी एम का स्क्वायर, इसके बराबर था। ये हमने प्रूव कर दिया, पहले एग्जाम्पल से प्रूव किया था, थ्योरेटिकली प्रूव किया। अब इसका एक रूप और देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का एक रूप और देखते हैं जिसका हम यूज करेंगे, के रिलेटिव वो किसके बराबर है, हाफ एम वी वन वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू वी सी एम का स्क्वायर, इसके बराबर होगा हाफ एम वन वी वन माइनस वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू माइनस वी सी एम का स्क्वायर, और वी सी एम किसके बराबर है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन टोटल मास, ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, तो हाफ एम वन वी वन माइनस एम वन वी वन
plus m2 v2 upon total mass plus half m2 v2 minus m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 इसका स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हाफ m1 इसके अंदर क्या गया एलसीएम जो m1 प्लस m2 m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस की भी माइनस की हो जाएगी माइनस m2 v2 सारे का स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है इसे कैंसिल हो जाएगी प्लस हाफ m2 m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन टोटल मास इसका स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हाफ m1 ऊपर जो है ये m2 v1 है ये m2 v2 है तो इसमें से m2 जो है कॉमन आ रहा है m2 v1 माइनस v2 इसका स्क्वायर तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर ये होगा प्लस हाफ m2 नीचे वाली टर्म का स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर इसमें कैंसिल क्या हो रहा था ये वाली टर्म जो है कैंसिल हो रही है इन दोनों में से कॉमन क्या रहा m1 कॉमन आ रहा है m1 का स्क्वायर v2 माइनस v1 का स्क्वायर ये अब इन दोनों इक्वेशन में से कॉमन क्या रहा हाफ कॉमन आ रहा है नीचे वाली जो टर्म है वो कॉमन आ रही है m1 प्लस m2 का स्क्वायर ऊपर v1 माइनस v2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा दोनों में से और यहाँ पे m1 m2 है m1 m2 अंदर क्या बचा यहाँ पे m2 बचा और यहाँ पे m1 बचा m2 प्लस m1 ये वाली जो टर्म है कंसीड हो जाएगी तो ये जो टर्म है इसके बराबर होगी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और v1 माइनस v2 का स्क्वायर ठीक है ये जो टर्म है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगी यानी k रिलेटिव का जो फार्मूला है एक नया फार्मूला बन गया हमारे पास सेंट्रल मास के फ्रेम में रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हाफ m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर इसको हम रिड्यूस मास भी बोलते हैं तो हाफ म्यू v1 माइनस v2 का स्क्वायर वेयर म्यू इज रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इसको क्या बोलते हैं रिड्यूस मास तो जो k रिलेटिव है सेंट्रो मास के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी दो पार्टिकल दिए हो तो हाफ म्यू v1 माइनस v2 का स्क्वायर नोट यदि बोथ आर मूविंग बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो ये जो फार्मूला है के रिलेटिव का वो क्या बन जाएगा हाफ म्यू वी वन प्लस वी टू का स्क्वायर ये हो जाएगा तो इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रो मास नहीं निकालनी पड़ेगी ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल की जो है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रो मास नहीं निकालनी पड़ेगी थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी पर आप दोनों मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन को जो हमने न्यूमेरिकल किया था आप उसमें के रिलेटिव निकाला था हमने तो पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी फिर हाफ एम वन वी वन वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू वी सी एम का स्क्वायर उसे निकाला था आप इससे निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन को ठीक है के रिलेटिव निकाला
दो ब्लॉक दिए हुए हैं ए और बी, एक का मास 2 किलोग्राम है, दूसरे का 4 किलोग्राम है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी 1 मीटर पर सेकंड है। के रिलेटिव का फार्मूला था हमारा हाफ रिड्यूस मास, रिड्यूस मास का एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर, इसके बराबर है हाफ मास एक का 2 है दूसरे का 4 है अपॉन 2 प्लस 4, एक की वेलोसिटी 2 है एक पर ये वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस हो जाएगा, और इसको लिखना चाहे तो 2 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो वैल्यू किसका 1 बाई 2 इंटू 8 अपॉन 6 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 6 जूल जूल हो जाएगी। सेंट्रो मास के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी वो किसके बराबर होगी, 6 जूल के बराबर होगी। तो हम सेकंड मेथड से भी करेंगे इसको। दूसरे मेथड से निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगी, 4 इंटू 2, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 4, 8 माइनस 2 6 अपॉन 6 1 आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी तो नेगेटिव डायरेक्शन माइनस 1 1 तो माइनस 2 आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वी सी एम, वेलोसिटी ऑफ बी जो है 2 है माइनस 1 1 के बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, इस ए का मास हाफ मास जो उसका 2 है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है माइनस 2 है प्लस बी का मास वो 4 है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है 1 है, तो ये जाएगा 4 और ये का मास जाएगा 2, आंसर जाएगा 6, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कौन सा मेथड जो है इजी है के रिलेटिव निकालने का, सेंट्रो मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालनी हो तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप इन इलास्टिक कोलिजन के बाद भी कर सकते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में दो पार्टिकल्स हैं वो इन इलास्टिकली हेड ऑन कोलिजन है, उसमें जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो इसके बराबर होती है, जो ई है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी टू माइनस वी वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसके बराबर होता है, वेक्टर फोर में कहीं होगा। ठीक है, कोई दो पार्टिकल्स हैं, हमें इस फार्मूले को प्रूव करना है अपने इस वाले फार्मूले से, के आई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कोई दो बॉल्स दी हुई है, एक का मास एम वन है उसकी वेलोसिटी यू वन है, दूसरा मास एम टू है, दोनों कोलाइड करते हैं कोलिजन के बाद, एक की वेलोसिटी एम वन वी वन है, दूसरे की वेलोसिटी जो है वी टू है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के सी एल, सेंटर ऑफ मास तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM का स्क्वायर, इसके बराबर होगा हाफ के रिलेटिव हाफ और इन दोनों की सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी निकालें तो किसके बराबर होगी हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू U1 माइनस U2 का स्क्वायर, इसके बराबर होगी। ऐसे ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालें, केस हाफ M1 प्लस
एम टू हाफ के सी एम प्लस के रिलेटिव, वही सेम फार्मूला होगा, पर एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो कोलिजन के अंदर क्या होती हैं, जीरो होती है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला तो क्या रहेगा, के सी एम के बराबर ही रहेगा। इसको करना है तो यहाँ से हम करें, जो V2 माइनस V1 हो किसके बराबर है, E U1 माइनस U2 के बराबर है, तो जो फार्मूला बनेगा हाफ रिड्यूस मास M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 आगे सिंप्लीफाई करें तो के सी एम प्लस हाफ रिड्यूस मास एम वन एम टू अपॉन टोटल मास, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ई का स्क्वायर यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर इसके बराबर होगी। लॉस किसके बराबर होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इन दोनों में से इसको इसमें से इसको घटा देते हैं, के सी एम से के एस एम कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये घटा देते हैं, तो किसके बराबर हाफ रिड्यूस मास एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ई का स्क्वायर वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर इसके बराबर होगा। ये U1 माइनस U2 है, ठीक है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लेते हैं, वन बाय टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का स्क्वेयर वन माइनस ई स्क्वेयर। लॉस का यही फार्मूला था, यही प्रूव करना था हमें। हमने काइनेटिक एनर्जी का सिस्टम जो है के सी एम प्लस के रिलेटिव निकालने का एक फार्म, दो पार्टिकल सिस्टम हो तो उसका फार्मूला था हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर, इसको रिड्यूस मास भी बोलते हैं, ठीक है। कोलिजन के बाद सपोज वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास चेंज हो गई है एज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, के रिलेटिव डिफरेंट होगा, पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो एक्सेलरेशन सेंटर मास जीरो होता है, वेलोसिटी सेंटर मास कांस्टेंट होती है, तो ये पहले जितना ही रहेगा, हाफ रिड्यूस मास तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी एक की V2 होगी है दूसरे की V1 होगी है, V1 माइनस V2 करो या V2 माइनस V1 करो क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि उसका स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस इसकी जगह कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन होती है E इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 अपॉन U1 माइनस V2, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या ई स्क्वेयर यू वन माइनस यू टू का स्क्वेयर। लॉस किसके बराबर होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को पुट कर देते हैं, ये तो सिमिलर है कैंसिल हो जाएंगे, के रिलेटिव से ये के रिलेटिव घटा दें तो ये आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होता है।